जय श्याम। मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत सारे फ्लेवर की कुल्फ़ी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना कुल्फ़ी। कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध से इसका बेस तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं ये 2.5 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ। अभी इसमें से हम कच्चे दूध को 3-4 चम्मच दूध को निकाल लेंगे। इस दूध के अंदर हम 5 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इससे कुल्फ़ी हमारी बहुत अच्छी दानेदार और क्रीमी बनके तैयार होगी। इसको हम अच्छे से घोल के तैयार करके रख लेंगे। इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से फेटेंगे हम। ये मिल्क पाउडर हमारे दूध में अच्छे से घुल चुका है। अब इसको हम रख देते हैं एक साइड में। पहले हम दूध को उबालने के लिए चढ़ाएंगे और 1-2 चम्मच दूध हम इसमें केसर में डालेंगे, जिससे केसर दूध में अच्छे से भीग जाएगा। दूध में जब तक उबाल नहीं आता तब तक हम चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा तो दूध इसमें स्मेल हो जाएगी आइसक्रीम में। अभी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब इसको हम बीच बीच में थोड़ी देर छोड़ देंगे। दूध को चढ़ाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें उबाल आ चुका है। अब गैस को हम थोड़ा कम कर देंगे और जो ये मिल्क पाउडर घोल के रखा था इसको हम डाल देंगे। डालने से पहले एक बार हम इसको मिक्स ज़रूर करें। अब इसको हम धीरे धीरे डालेंगे और चलाते रहेंगे दूध को। दूध को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब दूध को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे। ये जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा इसमें साइड में मलाई को हम इस तरह से बीच में करते जाएंगे। इससे कुल्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छी दानेदार और मलाई वाली तैयार होगी। अब कुल्फ़ी को और अच्छी क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। मलाई डालने से कुल्फ़ी बहुत अच्छी क्रीमी बनेगी और बहुत ही अच्छी दानेदार तैयार बनके तैयार होगी। अभी इसमें हमने मलाई डाली है इसलिए हम थोड़ी देर इसको लगातार चलाएंगे। अब दूध को हम इस तरह की चम्मच से चलाएंगे, इससे साइड की मलाई आसानी से निकलती जाएगी। अब दूध को हम गाढ़ा होने तक पकने देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। दूध को उबलते हुए करीब 1.5 घंटा हो चुका है। दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, देखिए एकदम दानेदार और मलाईदार दूध बन चुका है पूरा। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून, और 1 कप शुगर डालेंगे हम। इसका वेट करीब 200 ग्राम है। अब दूध को करीब हम 5-7 मिनट के लिए और उबालेंगे और इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी डाल दिए, चीनी डालने से दूध जल्दी लग जाता है, इसलिए हम इसको अब लगातार चलाते रहेंगे। कुल्फ़ी का बेस हमारा करीब करीब तैयार हो चुका है। इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया है, इसमें हम कोई क्रीम भी नहीं डालेंगे। एंड अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। अभी चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है और इसको उबलते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और 1/2 घंटा ठंडा करने के लिए रख देंगे। कुल्फ़ी के बेस को ठंडा होते हुए 1/2 घंटा हो चुका है। ये देखिए ये और भी गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छा बेस बन के तैयार हुआ है। अब कुल्फ़ी के बेस को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज हम 6 फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने वाले हैं। इतने दूध में करीब हमारी 14-15 कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएंगी। कुल्फ़ी के बेस को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम चॉकलेट कुल्फ़ी बनाएंगे। चॉकलेट कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें 3-4 टुकड़े चॉकलेट के डालूंगी। चॉकलेट में डेरी मिल्क यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी क्रीमी बनके तैयार होगी। चॉकलेट कुल्फ़ी बनाने के लिए जब हम चॉकलेट डालेंगे तो इसका बेस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इसमें। और इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। कोको पाउडर हम बस थोड़ा सा ही डालेंगे, करीब 1/2 टीस्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चॉकलेट कुल्फ़ी अक्सर हम घर पे बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनती, उसमें सिर्फ हम कोको पाउडर डालते हैं। अगर हम थोड़ी सी चॉकलेट और डाल देते हैं कुल्फ़ी हमारी बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। चॉकलेट कुल्फ़ी में आप चाहें तो थोड़े से रोस्टेड किए हुए बादाम भी डाल सकते हैं हम, ये ऑप्शनल है, अगर अच्छा लगे तो डालें, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे केसर पिस्ता कुल्फ़ी।
केसर पिस्ता कुल्फ़ी बनाने के लिए केसर जो हमने दूध में थोड़ा सा केसर घोल के रखा हुआ था सबसे पहले इसको डालेंगे। अगर हम केसर पिस्ता कुल्फ़ी बना रहे हैं तो इसमें हमें केसर और पिस्ता तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब इसमें हम करीब एक चम्मच पिस्ता डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा केसर पिस्ता का बेस बन के तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे रोस्टेड बादाम की कुल्फ़ी। ये बादाम मैंने रोस्ट करके काट के रखे हुए हैं, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कूट के रखा हुआ है। इसमें हम करीब एक डेढ़ चम्मच बादाम ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे करीब तीन चार बूंद, इससे कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बादाम को अगर रोस्ट करके डालेंगे तो कुल्फ़ी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा, नहीं तो आप चाहे तो कच्चे भी ऐसे भी डाल सकते हैं काट के। अब हम बनाएंगे पान की कुल्फ़ी। पान की कुल्फ़ी बनाने के लिए एक मीठे पान को मैंने पीस के रखा हुआ है, एक चम्मच पेस्ट को हम इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गुलकंद डलवा के रखा हुआ है और इसमें हमने सुपारी नहीं डाली हुई, ये बिना सुपारी का पान है। इसको ग्रीन कलर देने के लिए, अच्छे से ग्रीन कलर देने के लिए इसमें तीन चार बूंद हम फूड कलर डालेंगे, ग्रीन कलर। ये हमारी पान की आइसक्रीम का बेस बनके तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे मलाई कुल्फ़ी। मलाई कुल्फ़ी के लिए वैसे तो ये बेस तैयार ही है, अगर हम आधी चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे तो मलाई कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ये खाने में बहुत ही अच्छी और दानेदार लगेगी। अब हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए ये मैंने मैंगो का पल्प पहले से तैयार किया हुआ है। इसमें मैं दो टेबल स्पून मैंगो पल्प डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें दूध को बिल्कुल ठंडा लेना है, गर्म दूध में नहीं डालेंगे। अगर मैंगो कम लगे तो थोड़ा सा मैंगो और ऐड कर सकते हैं। ये मैं करीब आधा चम्मच और ऐड कर रही हूँ। मैंगो कुल्फ़ी में थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ मैंगो भी डालेंगे, इससे बीच बीच में मुंह में मैंगो आएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी कुल्फ़ी। हमारी कुल्फ़ी के सारे बेस बन के तैयार हो चुके हैं, मैंगो कुल्फ़ी, पान कुल्फ़ी और मलाई कुल्फ़ी, ये बादाम रोस्टेड बादाम की कुल्फ़ी, केसर पिस्ता कुल्फ़ी और ये चॉकलेट कुल्फ़ी। अब इसको हम एक मोल्ड में डालेंगे। कुल्फ़ी के हमारे सभी बेस बनके तैयार हो चुके हैं, अब इनको हम कुल्फ़ी के मोल्ड में डालेंगे। अगर हमारे पास ये मोल्ड ना हो तो हम पेपर वाले गिलास में भी इस तरह से कुल्फ़ी को बना सकते हैं। सभी कुल्फ़ी के बेस को हमने मोल्ड में भी भर लिया और पेपर ग्लास में भी भर लिया है। अब इनके ऊपर हम एक एक फॉइल लगा देंगे जिससे इसमें आइस ना आए। सभी मोल्ड हमारे भर के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में जमने के लिए रखेंगे। कम से कम हमें इसे 7-8 घंटे के लिए तो रखना ही है, अगर आप पूरी रात रखेंगे तो और भी अच्छा है, बहुत अच्छे से कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। सभी कुल्फियाँ हमारी जम के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, ये मैंगो कुल्फ़ी है हमारी, कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। मैं सभी के कवर हटा के दिखाती हूँ आपको। ये कुल्फियाँ हमारी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है और ये खाने में बहुत टेस्टी है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। अब मैं इसमें से आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारी चॉकलेट कुल्फ़ी है, ये देखिए कितनी अच्छी जम के तैयार हुई है। इसको निकालने के लिए पहले हम थोड़ा सा एक कप में पानी लेंगे और इसको डिप करेंगे। डिप करने से ये बहुत आसानी से निकल जाती है।
अभी कुल्फियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। ये हमारी मलाई कुल्फ़ी, ये मैंगो कुल्फ़ी, ये केसर पिस्ता, ये चॉकलेट कुल्फ़ी और ये पान वाली कुल्फ़ी और ये रोस्टेड बादाम कुल्फ़ी। ये सभी कुल्फी हमारी बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। हमने सारी एक ही बेस से तैयार करी हैं। इसका एक बेस से हम और भी अच्छे अच्छे फ्लेवर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत तरह की कुल्फियाँ तैयार कर सकते हैं और इसको बनाना ही बहुत ईजी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।